इतने ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोगों को मैं मिला होगा, हम तो वहां तक पहुंचने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं मिला हूं, लेकिन उनके निकट आकर पता लगता है कि परमात्मा के प्रति उनका कितना भाव है, प्रभु के प्रति कितनी श्रद्धा है, और डिप्रेशन रहित तो उसका जीवन रहता है। कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई तनाव नहीं। हर कभी सोचे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो भी हम तनाव में रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम हताश रहते हैं, हम निराश रहते हैं, हम उदास रहते हैं। क्यों? कहां मेरे जीवन के लिए कुछ, हम पीछे क्यों रह रहे हैं? इसलिए कथा आपके जीवन में एक प्रकाश देती है, एक रास्ता दिखाती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे मेरा जीवन निर्माण करना चाहिए, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, ये कथा के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए भगवान व्यास के सभी वचन हैं, तवेव जीवन जन्म सफल। जो कथा सुन रहे हैं उसके लिए कहा, कितनी सुंदर बात, जन्म उसका सफल है जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और क्या कहा पता, सुनिए जरा। तवेव जननी धन्य, तवेव जनको धन्य, तवेव जनको धन्य। उसके मातोश्री को धन्यता दे जिनका बेटा कथा सुन रहा है। जन को मतलब पिता, उसके पिताजी को धन्यता दी जिनका बेटा भगवान की कथा श्रवण कर रहा है। भगवान व्यास ने हमारे सबके माता पिता को भी याद किया। ये सभी श्लोक शिव महाप्रद ग्रंथ के हैं।